क्या सलाम भाई लोग, पहचाने क्या अपने को? हाँ, अरे यार अपुन टिल्लू भाई, टिल्लू भाई अपने एरिया में अपनी बहुत वट है भाई। क्या अपनी बहुत वट है? अपुन पिछले 30-35 साल से अपने एरिया में रह रहे लाए। हाँ, अपने एरिया के बाहर अपुन कभी गया छ नहीं। हाँ, अपुन अपने एरिया के बाहर जाता भी नहीं भाई। क्या जरूरत क्या है? सब कुछ बंदोबस्त अपने को अपने एरिया में ही है। हाँ, खाना पीना छीनना झपटना ये सब अपने को आराम से मिल जाता है ना भाई। हाँ, 30-35 साल अपन अपने एरिया के बाहर निकला नहीं, तो क्या मेरे को एक दिन अपना टकलू चरसी है ना, टकलू चरसी, वो मेरे को एक दिन बोला, टिल्लू भाई क्या इतने साल से खाली अपने एरिया में घूमते रहते, कुत्ते के माफी पड़े रहते। हाँ, अरे कभी कभी अपने एरिया के बाहर तो निकलो। हाँ, क्या एरिया में घूमते रहते हो, इधर उधर इधर उधर, हाँ ये गली से वो गली, वो नाके से वो नाके, अरे क्या जिंदगी है तुम्हारी कुत्ते के जैसी। हाँ, मैं बोला, ए मेरे को क्या कुत्ता बोलता है क्या? बोला नहीं, मैं कुत्ता नहीं बोला, मैं बोला जरा एरिया के बाहर निकलो। हाँ, एरिया के बाहर निकलो तो थोड़ा मजा आवे ना, हवा बदल हो जावे। मैं बोला, यार टकलू तू मेरे को बोल रहा है एरिया के बाहर निकलो, एरिया के बाहर निकलो, अरे किधर निकलू किधर, तू टकलू चरसी मेरे को बोला, भाई तुम ना दुबई जाओ दुबई। मैं बोला कहाँ? बोले दुबई जाओ दुबई, दुबई जाएंगे ना, मस्त जगह है भाई। हाँ, दुबई जाएंगे तो हवा बदल हो जाएंगी, थोड़ा तुमको भी चेंज मिल जाएगा, थोड़ा एरिया के लोग तुम्हारे वजह से शांति से रहेंगे। हाँ, मैं बोला क्या? बोला मतलब क्या है कि तुम 4-8 दिन बाहर गए, दुबई घूम के आए, हवा पानी बदल के आए, तो तुमको भी थोड़ा फ्रेश लगेगा ना भाई। मैं बोला, यार ये टकलू चरसी बरोबर बोल रहे ना है। फिर मैंने क्या किया मालूम, मैंने क्या किया मालूम है, छोटू को बुलाया। हाँ, छोटू मेरा राइट हैंड है, मेरा फंटर है। मैंने उसको बुलाया, मैं बोला छोटू यार मेरे को दुबई जाने का है। हाँ, तो छोटू बोला, ये कौन सी बड़ी बात है भाई दुबई जाने का है, आप बोलो ना कभी जाने का है। मैं बोला जाने का तो अभी है, मेरे को वो चरसी बोलता है कि इधर क्या घड़ी घड़ी घूमते रहते, जाके हवा बदल करो। हाँ बराबर बोला ना भाई, मैं भी आपको देखता हूँ, जब देखो तब पान की टकरी पे पड़े रहते, उधर गली में सड़े रहते, उधर नाके पे पड़े रहते, तुम जरा बाहर जाएंगे तो तुम्हारा हवा बदल हो जाएगा, तो मजा आएगा ना भाई। मैं बोला हाँ, इसके लिए तो तेरे को बुलाया। एक काम कर छोटू, तू जा मेरे लिए ना दुबई का टिकट निकाल के ला। ये येड़ा ना, ये छोटू एक नंबर का येड़ा है। हाँ, वो क्या किया, मैं उसको दुबई का टिकट लेने भेजा तो साला ट्रेन का टिकट लेके आया। लोकल ट्रेन का टिकट निकाल के लेके आया। मैं बोला, ए एड़े पागल, तेरे को क्या अक्कल नाम का बक्कल नहीं क्या? मैंने उसको इतना धोया इतना धोया, वो मेरे को बोलता, राई काय को मार रेला, मेरे को काय को मार रेला है। बोले काय को मार रेला है क्या भाई? तेरे को बोला दुबई का टिकट निकाल, तो तू ये कौन सा टिकट निकाल के लाया, नाला सोपारा का? हाँ, ठीक है, नाला सोपारा विरार वसई का टिकट निकाल के लाया क्या तू? बोले भाई 50 रुपए में ना यही टिकट मिलता है। मैं बोला क्या बात कर रहा है? बोले हाँ, 50 रुपए में तुमको यही टिकट मिलेगा, दुबई जाना है तो 50 रुपए में थोड़ी जा सकते हैं। फिर मैं बोला छोटू, टिकट कितने का आता है दुबई जाने का? दुबई जाने के लिए कितना खर्चा है मेरे को बता। तो छोटू बोला, भाई दुबई जाना है ना तो कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा है। मैं बोला, 1 लाख रुपया खर्चा? अरे 1 लाख मेरे को देगा कौन? आप 1 लाख मेरे को देगा कौन? तो छोटू बोला, यार भाई देने की क्या जरूरत है? हाँ, देने की क्या जरूरत है? हाँ, वो अपना पक्या है ना पक्या। हाँ, उसकी रिक्शा रात को नाके पे खड़ी रहती है। हाँ, गायब कर डालो, उसको क्या पता चलेगा। हाँ, मैं बोला, ये बराबर बोल रहे है। मैंने क्या किया, रातों रात
रातों रात वो पक्या की रिक्शा है ना, ऑटो रिक्शा, सड़का डाली, गायब कर डाली। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन 1.25 लाख का बंदोबस्त किया। फिर छोटू को बोला, छोटू मेरे लिए टिकट निकाल के आ। हाँ, फिर वो मेरा वीजा वीजा बनाने को बोला, ये सब बोला, वो सब लोचा लपाटा किया। बाद में मेरा वीजा बन गया, फिर वो गया मेरे लिए टिकट लेने। भाई वो दिन आ गया, दुबई जाने का दिन आ गया भाई। अपना लगेज विगेज लेके मैं पहुंचा हाँ एयरपोर्ट पे, तो मेरे को एक जन बोलता है, ए भाई इधर से नहीं जा सकता है। मैं बोला क्यों, लाख 1.25 लाख रुपया खर्चा किए ला, इधर से क्यों नहीं जा सकता, क्या टैक्सी पकड़ के जाऊं क्या? बोले नहीं नहीं ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक। हाँ हाँ इधर से नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा। मैं बोला यार ये भी कैसा है यार, इधर तो बहुत लफड़ा है। मैं क्या किया, फटाफट टैक्सी उल्टा घुमाया, यू टर्न मारा, सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा। अरे क्या एयरपोर्ट है भाई, एयरपोर्ट पे पहुंचा, देखा उधर पूरा सन्नाटा। हाँ एकदम सन्नाटा। हाँ कोई आ रेला है, कोई जा रेला है, कोई कोने में खड़े रहा है, कोई मुंह फुला के खड़े रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं। सब अपने अपने लगे थे भाई। मैं बोला यार पूछूं तो किसको पूछूं, तो एक बुड्ढा अंकल कोने में बैठा था कुर्सी पे। मैं बोला अंकल मेरे को दुबई जाने का, मैं क्या करूं, मेरे पास टिकट तो है लेकिन क्या करूं। तो अंकल बोला उधर काउंटर पे जा, काउंटर पे, हाँ उधर फॉर्म भरने का, इमिग्रेशन होता है, फिर बाद में तुम्हारे वीजा पे स्टैम्प पड़ेगा, फिर तुम दुबई जाएगा। मैं बोला यार बहुत झंझट है, ये बहुत झंझट है, अपने को मालूम ही लेना भाई। मैं गया, वीजा वीजा बनाया, स्टैम्प भी स्टैम्प मार के लिया। हाँ बाद में मैं बोला यार मेरा लगेज था मेरे पास, मेरा लगेज गया किधर? तो उधर वो एक आदमी खड़ा था ना, वो बोला भाई तुम्हारा लगेज चला गया दुबई। मैं बोला क्या, मेरा लगेज दुबई चला गया? अरे भाई दुबई मेरे को जाना था, तुम लोगों ने मेरा लगेज दुबई भेज दिया। हाँ अभी मैं कैसे जाऊंगा? बोले तुम वो 7 नंबर गेट में से अंदर जाओ, सामने हवाई जहाज खड़ेला है, अंदर बैठो, तुम्हारा लगेज उधर ही है। हाँ मैं बोला चल भाई अच्छा हुआ वो लगेज उधर है, उसके अंदर मैंने एक वाटी ऐसा दही लेके गया था। हाँ मैं बोला हिलते हिलते पनीर ना हो जावे भाई। हाँ फिर मैं गया बैठा हवाई जहाज के अंदर, जैसे मैं घुसा ना भाई, हाँ तो एक खूबसूरत लड़की मेरे को हाथ जोड़ के बोल रही थी, आइए आपका स्वागत है। मैं बोला काय का स्वागत बिगत वो सब छोड़ो, मेरे को दुबई जाना है, मेरे को बस दुबई भेजो, मेरे को स्वागत बिगत नहीं चाहिए। हाँ वो बोली भाई आप बैठो, थोड़ी देर में फ्लाइट उड़ने वाला है। मैं बैठा, हाँ मैं फ्लाइट के अंदर बैठा, फ्लाइट के अंदर बैठा तो मेरे को किसी ने तो बोला था हवाई जहाज जब उड़ता है ना, हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो पब्लिक ना नीचे सब चींटी की जैसे दिखती है, मुंगी के जैसे, चींटी के जैसे। अल्लाह मैं बोला ये बात सच है कि झूठ है? देखो मैंने ना खिड़की में से नीचे देखा, खिड़की में से नीचे देखा तो सच्ची यार सब पब्लिक ऐसे चींटी के बराबर दिख रही थी, मुंगी के जैसे छोटी 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 दिख रही थी। बाजू में बैठे थे अंकल, मैं बोला अंकल देखो पब्लिक सब चींटी के जैसे दिख रही है। अंकल बोला ये वो चींटी है, हाँ किसी ने उधर चॉकलेट खा के फेंका है, हवाई जहाज उड़ा किधर है? हाँ मैं बोला यार अभी तक हवाई जहाज उड़ाने कभी उड़ेगा कभी? इतने में क्या हुआ मालूम है, एक खूबसूरत मस्त चिकनी चमेली एकदम गोल मटोल ऐसी सुंदर परी के माफी के एक लड़की आके खड़ी हो गई हम लोग के सामने। हाँ हम लोग ऐसे सीट पे बैठे, सीट के सामने आके खड़ी हो गई। मैं बोला अभी ये क्या डांस वांस करेंगी क्या? हाँ इंटरटेनमेंट करेंगी क्या, मनोरंजन करने वाली है क्या? मैं बोला यार मनोरंजन मत करो, हवाई जहाज उड़ाओ, हमको जाना है। तो वो क्या बोली मालूम है, वो बोली
आप लोगों के सीट के ऊपर एक बटन है, ऊपर एक बटन है। हाँ, अगर आप लोगों को हवाई जहाज उड़ने के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है तो बटन दबा देने का, एक मास्क बाहर आता है मुंह को लगाने का सांस लेने का। अरे मैं बोला अभी बैठा नहीं तो ये डराना चालू कर रहे ले। हाँ, उसके बाद बोली अगर हवाई जहाज में कुछ भी लफड़ा होता है, हाँ समझो आग लगती है, कुछ पंखा खराब हो गया, तो दूसरा बटन दबाने का, उसमें से पैराशूट निकलता है, सीधा पैराशूट लेने का, खिड़की से बाहर कूद जाने का। मैं बोला यार बैठा नहीं, ये लोग डराना चालू कर रहे ले। वो बोली ये हवाई जहाज में दो द्वार हैं, हाँ एक प्रवेश द्वार और दूसरा इमरजेंसी द्वार, अगर ज्यादा नाटक किया इधर उधर से कूदने की कोशिश की तो तुम डायरेक्ट हरिद्वार। मैं बोला क्या यार ये लोग इतना डरा रहे ले, और सामने देखा वो क्या था, वो ड्राइवर, ड्राइवर हवाई जहाज का ड्राइवर यार, वो तो हेडफोन लगा के गाने सुन रहे है, मजे ले रहा है। मैं बोला इधर पब्लिक डर रही है, वो गाने सुन रहे है। मैं आंटी को बोला आंटी ये क्या है, हाँ अपन लोग की हालत खराब हो गई है, ये लड़की लोग अपने को डरा रही है और वो ड्राइवर हवाई जहाज का ड्राइवर हेडफोन लगा के गाना सुन रहा है। आंटी बोली वो गाना नहीं सुन रहा है, वो हेडफोन लगा के रास्ता पूछ रहा है दुबई जाने का। मैं बोला ले भाई कमाल है, हाँ एकदम कमाल है। हाँ एक तो यार क्या है लफड़ा क्या है, हाँ कमाल है यार। हाँ इधर हम लोग डर रहे ले और उसको रास्ता मालूम नहीं है, ये भी अपने जैसा ही है। हाँ? मैं बोला मेरे को दुबई दुबई जाने का नहीं है, मेरे को नहीं जाने का है, मेरे को उतार दो। बोले नहीं नहीं अभी हवाई जहाज चलेगा। थोड़ी देर में देखा तो हवाई जहाज चलने लगा रोड के ऊपर। मैं बोला ये क्या बाय रोड लेके जा रहा है क्या। हाँ आपको बोला हवाई जहाज उड़ेगा, ये खाली रोड पे चल रहा है, बाय रोड जा रहा है। मैं बोला अभी मेरे को जाने का नहीं, सीढ़ी लगाओ मेरे को बाहर उतारो। मेरे को आया गुस्सा ना भाई, मैं सीधा उतर गया। हाँ मैं सीधा हवाई जहाज को रुकाया, लफड़ा किया, हंगामा किया, घोंघाट किया, भोमा भोम किया, हवाई जहाज को रुका दिया, दरवाजा खोलने को बोला मेरे को बाहर उतारो। मेरे को बाहर उतारा, बस में बिठाया, बाहर लेके आए एयरपोर्ट के। मैं अभी तुम लोग को बोलता हूँ, ये लोग के लफड़े में पड़ने का नहीं, लाख दो लाख रुपया ऐसा फालतू में खर्चा करने का नहीं। हाँ जब भी कभी तुम लोगों को दुबई जाने का होवे ना तो भाई लोग मैं बोलता हूँ वैसा करना, सीधा मुंबई सेंट्रल जाना, लग्जरी बस पकड़ना। हाँ अरे 100 125 रुपए में काम हो जाएगा, डायरेक्ट दुबई।